ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के चर्चा में जनसदन का मुद्दा है, कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने बेच दिया है पूरा देश, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुभाष बड़थवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व राज्य मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता। सुभाष जी, वीआईपी न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है। और अविनाश मनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। अविनाश जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और नवीन प्रसादी जी, आप प्रवक्ता। नवीन जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले सुभाष बड़थवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। सुभाष बड़थवाल जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ कांग्रेस की, उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर कि बीजेपी ने जमीन आसमान पाताल सब कुछ बेच दिया है। 70 साल में जो भी कांग्रेस ने मेहनत करके इस देश के लिए बनाया था, चाहे अगर हम बात करते हैं 27,000 किलोमीटर हाईवे की बात करते हैं, 8,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन की हम बात करते हैं, और जहां तक बात करते हैं कि रेलवे की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि 5% हम पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे रहे हैं। सुभाष जी, तो मैं बता देता हूं कि कांग्रेस ने क्या क्या बेचा। सीधी ही लड़ाई है, उन्होंने ये कहा कि हमने बेचा, तो पहले मैं बताऊंगा कि कांग्रेस ने क्या बेचा। देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2009-10 में जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बेचा गया, जो लघु बचत के लिए जो है बनाई गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बेचा गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेचा गया, एनएचपीसी लिमिटेड को बेचा गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को बेचा गया, एनटीपीसी को बेचा गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको हम कहते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बेचा गया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को बेचा गया, 2010-11 में सतलुज जल विद्युत निगम को बेचा गया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को बेचा गया, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड को बेचा गया, आरसीएफ राष्ट्रीय रसायन उर्वरक जिसको कहते हैं उसको बेचा गया, आपको जो है एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को बेचा गया, एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को बेचा गया 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार, जिन्हें जो है एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन को बेचा, भेल को बेचा, एआईएलएल इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड को बेचा, एनएमएमडीसी को बेचा, सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड फंड जिसे पीजीसीआई कहते हैं उसको बेचा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को बेचा, एनएफएल को बेचा, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जिसको बोलते हैं एमएमटीसी धातु और खनिज व्यापार निगम, इस तरह की 45 से अधिक कंपनियों को बेचने का काम किया। और बाकी की भी लिस्ट में जो माननीय गौरव बल्लभ जी को मैं प्रेषित कर दूंगा। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आप डिस्कोर्स को क्यों बदलना चाहते हैं। आपकी सरकार नरसिंह राव जी की सरकार थी, जब जो इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो है प्रक्रिया शुरू हुई, विदेश की प्रक्रिया शुरू हुई, और जो है सरकारी संपत्तियों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ और निजी जो भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार का काम व्यापार करना नहीं हो, सरकार जो है वो व्यापार न करे, बल्कि सरकार जो है वो सेवा का काम करे, सर्विस सेक्टर का काम करे, ये एक फिनोमेना पूरे विश्व के अंदर जो है सरकारों ने 90 के दशक में तय किया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सरकारों ने जो है वो आयोजित की। अविनाश मनी जी, आपने 2-3 चीजें गिनाई, सुभाष बड़थवाल जी ने एक लंबी लिस्ट निकाल दी कि कांग्रेस के समय में क्या क्या चीजें बिकी हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं, पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, शायद उसको बेचना नहीं कहेंगे, इसको ही कहेंगे कि मौका दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर अगर इसको टेकओवर करता है, एमओयू के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, अगर बेहतर काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा जाएगा, और बेहतर काम नहीं होता तो उस कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अविनाश जी, देखिए, बड़थवाल जी ने तो अपनी पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी कि कांग्रेस पार्टी ने ये बेचा। इन्होंने डिस्ट्रक्टिव बात की, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव बात ये तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के बाद सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार, मोदी जी को पूरे के पूरे भारत ने एक प्रचंड बहुमत दिया कि नहीं आप सरकार बनाइएगा, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हुए आए, और इन्होंने जनता के साथ पूरा का पूरा धोखा किया। चाहे बेरोजगारों के साथ ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, किसी भी एक सेक्टर को उठा के देख लीजिए, जिसमें आप सिर्फ यही देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर जगह पर हर नीतियों में फेल रही है।
और जहां तक बेचने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी चीज को बेचा नहीं। हाँ, सेंसेक्स में आप एनएससी होता है, बीएससी होता है, अगर उसमें देखिए, उसमें भी जिसका वैल्यू सबसे कम था उसको उसने बेचा नहीं है। उसने क्या नाम है, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से पीपी मॉडल उसे देने का काम किया हुआ है, उसे बेचना नहीं कहेंगे। हाँ, आप रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, रेलवे किसका है? रेलवे को भूमि किसने दी है? रेलवे को भूमि दी है किसानों ने। जो पटरियां बिछाई गई वो किसानों के द्वारा बिछाई गई है, किसानों ने उसको अपनी बिना मूल्य के भूमि दी है। आप उसको एक ऐसे सेक्टर को दे रहे हो, कुछ कारपोरेट घरानों के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से नतमस्तक हो चुकी है, वो सिर्फ उन्हें अंबानी अडानी दिखते हैं, बाकी और कोई कारपोरेट घराना नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं नवीन प्रसाली जी से। नवीन प्रसाली जी, क्या कारण है कि कांग्रेस बीजेपी पे और बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन उत्तराखंड के परिपेक्ष में क्या कारण है कि जनता केवल इन दोनों पार्टियों को ही मौका देती है? 2017 में जिस तरीके के बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया था, क्योंकि अभी अविनाश जी अपनी उसमें कह रहे थे वक्तव्य में कि रेलवे के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी है, लेकिन मुद्दा यहां भी उठता है कि गवर्नमेंट ने केवल 5% प्राइवेट में दिया, बाकी 95 उनके पास पड़ा है। नवीन जी, देखिए काला जी, आपने कहा कि क्या कारण है कि उत्तराखंड में अदल बदल के कभी भाजपा कभी कांग्रेस आती रहती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं था आज से पहले, और अब आम आदमी पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में जनता के सामने है। जनता जान चुकी है, परख चुकी है और मन बना चुकी है 2022 में आम आदमी पार्टी को लाने का। अब दूसरी बात आती है रेलवे के जो स्टेक को निकाला गया, 5% स्टेक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो समग्र आर्थिक नीति है वह है लाभ का निजीकरण और नुकसान का सरकारीकरण। जहां नुकसान होगा उसको सरकार ले लेती है, और जहां लाभ होने वाला होगा तो उसको सरकार प्राइवेट हाथों में दे देती है, और वो भी कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट के हाथों में दे रही है। ये नहीं कि सभी को है। आज मोदी जी का एक नारा याद आता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने देश के बाकी लोगों को उस हाल में छोड़ दिया है कि ना खुद खा सकते हैं और किसी को खाने देते हैं। आप ये देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के, बुलेट ट्रेन चलाने की और बहुत सारी जो उन्होंने घोषणाएं की थी, और उन पर उन्होंने काम जब फैला दिया जो बजट सीमित बजट था, वो सीमित बजट उन्होंने सारा उसमें लगा दिया। उसके बाद अब उन कामों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हो रही है, इसलिए सारे सरकारी उपक्रमों को एक एक करके बेचा जा रहा है। उन उपक्रमों को बेचा जा रहा है जो नवरत्न कंपनी में से है भारत सरकार की, उन संपत्ति को सब बेच रहे हैं और कह रहे थे कि सौगंध मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि सौगंध खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सुभाष भरतवाल जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। सुभाष भरतवाल जी, एक लंबी लिस्ट आपने गिनवाई कि कांग्रेस के समय में क्या क्या बिका, और कांग्रेस कहती है कि आपने 25 एयरपोर्ट, 9 पोर्ट, 661 माइन, 2 नेशनल स्टेडियम। क्या ऐसे ही हमारा देश चलेगा कि आप कांग्रेस पे आरोप लगाए, कांग्रेस आप पे आरोप लगाए? ये जनता जो है वो चाहती है कि आपने क्या बनाया, ये नहीं सुनना चाहती जनता कि कांग्रेस ने क्या बेचा या बीजेपी ने क्या बेचा। सुभाष जी, नहीं देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं, ये जो बेचना शब्द है ये असल में इस सारे डिस्कोर्स में ये बहुत गलत शब्द है, और कोई भी राजनीतिक दल यदि जो है सरकारी संपत्तियों के संदर्भ में इसको इस रूप में जो है इसका उपयोग करता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, और आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम जो है हाईवेज को जो है किसी कंपनी को बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आप बताइए कि टूटी फूटी सड़कें जिन पर जो है देश का लाखों लीटर डीजल जो है वो बर्बाद हो रहा है, जिस गति से उस सड़क पर जो है गाड़ियां जानी चाहिए, वो जो लॉस हो रहा है, वो जो टायरों का लॉस हो रहा है, वो जो इंजन का लॉस हो रहा है, वो जो आवर्स का, वर्किंग आवर्स का लॉस हो रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो लाखों करोड़ रुपया जो है यदि किसी प्राइवेट पार्टी को या प्राइवेट जो है प्लेयर को देकर हम उसको बहुत स्मूथ सड़कें बनाते हैं, जिस प्रकार आप देखिए, आप जो एनएच हुआ है इससे जो है हरिद्वार से देहरादून से दिल्ली की दूरी में कितना अंतर आया, ये स्वयं कोई भी व्यक्ति जाकर जो है तो अपने वाहन से सरकार का काम जो है वो रोड़ी बजरी लेकर जो नहीं है प्रसादी जी, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए जो 90 के दशक में जो एक क्रांति पूरी दुनिया में आई, और ये हुआ कि भाई सरकारें जो है वो ठेकेदारी का काम नहीं करेंगे, सरकारें बेचने उसका जो है किसी वस्तु को खरीदने का काम नहीं करेंगे, बल्कि केवल सर्विस सेक्टर जो है सरकार अपने पास रखेगी, और बाकी सारे कामों को वो स्वामित्व एक प्रकार का, अंततया तो सरकार ही देश की मालिक है, अंततया तो जो संपत्तियां हैं वो सरकार के कहीं पर भी किसी भी समय
किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार जो है वो संविधान ने भारत की सरकार को दिया है, राज्यों को राज्यपाल के माध्यम से, भारत सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से। तो मैं कह रहा हूं ये एक प्रकार की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कांग्रेस ने भी किया नरसिंह राव जी की सरकार के समय से, मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय से, ताकि कार्य क्षमता बढ़े, ताकि लोगों को अधिक सुविधाएं मिले, ताकि जो है देश का जो संसाधनों का नुकसान है वो जो अधिकतम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है वो अधिकतम लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल अविनाशी आपके पास आ जाता हूं, न्यूनतम के बाद आपके पास आता हूं सुभाष जी। अविनाशी देखिए, सरकार ये कह रही है कि अगर हम ट्रेन का रेलवे का 5% प्राइवेट में दे रहे हैं तो पहले 4000 किलोमीटर चलने पे ट्रेनों की सर्विस की जाती थी, मेंटेनेंस किया जाता था, लेकिन अगर पीपीपी मोड पे हम देते हैं 40,000, देखिए डिफरेंस देखिएगा 4000 और 40,000, तो 40,000 के बाद, क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन जो है, प्राइवेट पार्टनरशिप, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगा कि 40,000 किलोमीटर चलने के बाद उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, रख रखाव का जिम्मा सारा उन्हीं के ऊपर होगा, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा केवल हमने पीपीपी मोड पे दिया है। अविनाश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह इंगित करना चाहूँगा कि अभी जो आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है 24,000 किलोमीटर चलने पर उसकी सर्विसिंग की जाएगी, 4,000 किलोमीटर चलने पर उसकी सर्विसिंग की जाएगी या की जानी चाहिए, जो भी है, मैं आपको ये बताऊँ सरकार का यह भी एक जुमला ही साबित होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जुमले को लेके आई, महंगाई को लेके बोलती थी, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो भी सरकार, बेरोजगारों को लेके बोलती थी हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। विदेश नीति भी उनकी फ्लॉप होगी। मोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण जी मोनेटाइजेशन की बात करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, और डिमोनेटाइजेशन की बात वो किस पे करते हैं, आप देखिए कि डिमोनेटाइजेशन का प्रभाव किस पे पड़ा, किसानों पे पड़ा, महिलाओं पे पड़ा, मध्यम वर्ग के लोगों पे पड़ा, निम्न वर्ग के लोगों पे पड़ा, और जो मोनेटाइजेशन की बात हो रही है मोनेटाइजेशन का प्रभाव किस पे पड़ा, सिर्फ 2 लोगों के ऊपर पड़ा, और जो उनके चहेते कारपोरेट घराने के लोग थे। अभी मैं उज्ज्वला स्कीम की बात करूंगा कि उज्ज्वला स्कीम में 8 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं, परंतु अभी जो इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए, अभी देखिए वो जो गैस का दाम है कांग्रेस पार्टी के समय 450 का एक सिलेंडर मिलता था, अभी भारतीय जनता पार्टी के समय 900 का एक सिलेंडर मिल रहा है, सीधे डबल हो चुका है वो महंगाई की मार। और ये बात करते हैं ट्रिपल पीपीई की मॉडल की बात करते हैं, ये एक और मॉडल की बात करते हैं, इनके सारे के सारे मॉडल जो है वो धरे के धरे रह सकते हैं। ये जीडीपी की बात करते हैं जिसमें गैस बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और ये कहते हैं जीडीपी, वाकई मोदी जी ने बोला है कि जीडीपी बढ़ रहा है, तो वाकई में जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन सकारात्मक रूप से नहीं, नकारात्मक रूप से। बिल्कुल नवीन जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। नवीन जी देखिए, आपने कहा था कि अब से पहले उत्तराखंड में कोई ऑप्शन नहीं था, केवल बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि अन्य पार्टी भी रही है। अगर हम बात करें, आपने ऑप्शन निकाय चुनाव 2018 में भी दिया था जनता को, लेकिन क्या कारण है कि यहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया? नवीन जी, कालस जी, आज मैं लगभग चौथी बार आपके टीवी पर आ रहा हूं और रोज एक ही सवाल होता है 2018 का निकाय चुनाव। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि आपका सवाल नहीं, जनता का पूछता हूँ, जनता के लिए ही मैं जवाब भी दे रहा हूँ। वो शुरुआती दौर था, आज आम आदमी पार्टी 2-3 साल बाद बहुत मजबूत हो चुकी है, जनता बीजेपी कांग्रेस का हाल देख चुकी है, तो जनता को समझ आ चुका है। पहले जनता शायद उतनी नहीं समझ पाई होगी, हमें नहीं परख पाई होगी, लेकिन जिस हिसाब से हम लगातार जनता के बीच में बने रहे, जनता जान चुकी है कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर और जन हितकारी जो नीतियां हैं वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। ये ऐसी हैं, बेचने वाले लोग हैं और कुछ खरीदने वाले लोग हैं, तो ये चलता रहेगा। इन सबके बीच में मुद्दों की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी आई है। अब मैं बात करता हूं, जो आपने कहा कि 5% स्टेक उनको दिया जा रहा है और वो पीपीपी जो प्राइवेट पार्टनर है वो ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे कि 4000 की सर्विस की जगह 40,000 पर सर्विस होगा। मैं कह रहा हूं, क्या वो इंजन बदले जाएंगे रेलों के, ट्रेन के इंजन बदले जाएंगे, कौन सी टेक्निक उसमें लगाई जाएगी? ये सब एक उसको बहुत गलत शब्द है, मैं उसको नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो शब्द जो वो है 4000-40,000 का जो खेल है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4000 पर सर्विसिंग होती है, क्योंकि सरकारी सिस्टम ऐसा है जिसमें 4000 पर सर्विस दिखा के बार बार पैसे का घोटाला किया जाता है, इसलिए नुकसान होता है। सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इसको प्राइवेट हाथों में दे रही है, क्योंकि रेलवे हमेशा प्रॉफिट में रही है और वो सेक्टर जो सर्विस सेक्टर वाला जो 5% निकाला है वही सेक्टर प्रॉफिट में है, क्योंकि वो सर्विस है, उसके बदले पैसा मिलेगा सीधे। तो ये केवल एक पैसे को घुमाया जा रहा है, जो लाभ है उसको निजी हाथों में दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सुभाष बड़थवाल जी, गौरव बल्लव कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना यह भी है कि 1.52 लाख करोड़ का रेलवे जो है वो भी सरकार ने बेचने की कगार पे लगा दिया है। उनका कहना है कि 27,000 किलोमीटर की जो हाईवे है, चाहे टेलीकॉम की हम बात करते हैं, तो
तो हर तरह की चीजें लगभग सरकार प्राइवेट की तरफ दे रही है, हालांकि हम पहले ONGC की बात करें या UPCL की बात करें, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या कारण है कि प्राइवेट की तरफ अप्रूव करना चाह रहे हैं। अगर हम स्कूलों की स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के परिपेक्ष में 3000 स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं। सरकार ने एक ऑप्शन ये भी दिया था कि स्कूलों को भी हम PPP मोड पे देंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ नजर आया। सुभाष जी, नहीं देखिए, जहां तक आपने रेलवे के संदर्भ में चर्चा छेड़ी है, तो देखिए रेलवे का जो डिसइन्वेस्टमेंट है या आप पीपीपी मोड में जो व्यवस्थित करने का रेलवे को जो है सरकारों का विचार रहा, ये तो नरसिंह राव जी के समय से शुरू हो गया था और मनमोहन सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया। कोई सरकार अगर नहीं आती है तो वो अचानक से जो है पिछली व्यवस्था को उखाड़ते हुए या उसको बैक गियर में डालते हुए जो है देश को पीछे नहीं ले जा सकती है। जो वित्तीय योजनाएं, जो वित्तीय प्रारूप, जो इन्वेस्टमेंट का जो खाका चल रहा था जो है 90 के दशक से, आखिर उसको पीछे मोड़ने का मतलब होता है तबाही, भयानक बेरोजगारी, भयानक महंगाई, देश में जो है अनेक अनेक प्रकार की दिक्कतें, असंतोष, लोगों के जीवन में जो है असमानताएं और सामाजिक वैमनस्यता का भाव बढ़ना। तो जो एक पटरी पर स्मूथली गाड़ी चल रही है उसको जो है उस सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, और उसी को जो है ये हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। जब वैश्विक रूप से अगर कोई नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार की आर्थिक नीति, नए प्रकार के व्यापारिक संबंध, चाहे वो विश्व व्यापार के माध्यम से हो या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हो या तमाम वित्तीय संस्थानों के विमर्श के माध्यम से कोई नई व्यवस्था अगर आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद खड़ी होती है, तो सरकारों के सामने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो है आर्थिक व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है तो आपको चलना पड़ेगा उसी के हिसाब से। आप दुनिया अगर जो है पूरब की तरफ चल रही होगी, आप जबरदस्ती अपने देश को पश्चिम की तरफ ले जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम जो है दुनिया के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर नहीं चल सकते हैं, और इससे जो है आर्थिक दिक्कतें जो है हर व्यक्ति के जीवन में खड़े होंगे, हर नागरिक के जीवन में खड़ी होंगी। तो कुल मिलाकर आज का जो आर्थिक मॉडल है, वो आर्थिक मॉडल जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में चलाते हुए हमारी सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। आपने कहा कि उत्तराखंड में जो है बहुत सारे विद्यालयों का जिनका जो है बंदीकरण की बात आपने कही, स्वाभाविक रूप से जब किसी विद्यालय में छात्र नहीं है, किसी विद्यालय में जो है अध्यापक इतने हैं कि छात्र संख्या जो है नगण्य है, तो उनको एकीकरण का एक विषय अनेकानेक बार आपकी बहस में आता रहा है, आपके जो है डिबेट्स में आता रहा है, उस पर इतना अचरज करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार इस दिशा में जो प्रयास कर रही है कि जहाँ जो है विद्यार्थी नहीं है वहां पर उनको उठाकर जो है दूसरे विद्यालयों में समाहित करके। बिल्कुल अविनाश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। बिल्कुल सुभाष जी, आता हूं आपके पास। अविनाश जी देखिए, अगर पीपीपी की हम बात करते हैं, स्कूलों को अगर पीपीपी मोड पे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि देखिए उत्तराखंड के रिजल्ट के बारे में आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर रिजल्ट निकालने में बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल में टैलेंटेड टीचर है, वेल क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सुविधाएं ज्यादा मिलती है तो वो रिजल्ट एक बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसको शायद बेचना नहीं कहेंगे। अविनाश जी ये बिल्कुल सही बात है कि अगर सरकार को इन्वेस्टमेंट करती है उसे बेचना नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास अब इतनी ज़्यादा राजस्व है तो वो प्राइवेट हाथों में देना क्यों चाहती है? वो खुद ब खुद क्यों नहीं उन स्कूलों को डेवलप कर सकती है? वो जब कर सकती है तो वो करना क्यों नहीं चाहती है सरकार? आप मुझे ये बताइए कि अगर एक प्राइवेट स्कूल है वो 2000-3000 रुपये फीस लेके अपने किसी बच्चे से फीस लेता है, उसे पढ़ाता है, और सरकारी स्कूलों में 250-300 रुपए की एक फीस आती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो 250-300 रुपए वो सुविधा सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? आप ट्रिपल पी मॉडल की बात करते हैं, ट्रिपल पी मॉडल इंडिया लेवल पे अगर आप बात कर रहे हो तो सिर्फ दो ही कारपोरेट घराने चुने, सिर्फ दो ही कारपोरेट घराने अडानी और अंबानी को क्यों दिए जाते हैं? 50 ऐसे कारपोरेट घराने आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, आपकी तरफ आ जाता हूं। नवीन जी देखिए, अविनाश जी ने एक प्रश्न उठाया यहां पे कि क्या कारण है कि केवल दो घरानों को ही ट्रिपल पी मोड पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिपेक्ष में बात करें तो वो दो घराने उत्तराखंड में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करते। सरकार ने तो एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि जो भी इसमें आना चाहता है उसके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। नवीन जी खाला साहब क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? आप देखो बद्रीनाथ ट्रस्ट में जो चार देवस्थान बोर्ड बनाया वहां पर मुकेश अंबानी जी के बेटे सुपुत्र वहां पर सदस्य बन गए हैं और आप बोल रहे हैं कि वो तो बद्रीनाथ तक पहुंच गए हैं। नहीं, सदस्य बनने को हम बेचना कहेंगे, खरीदना कहेंगे? नहीं, तो आपने हस्तक्षेप की बात कही,
हस्तक्षेप की बात कही, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आ सकता है। देखिए मेंबर बनना अलग होता है और उसमें पीपीपी मोड पे पार्टनरशिप लेना वो एक अलग बात हो जाती है। नवीन जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप कौन ले क्या ले, बट जो जनता देख रही है वो कह रही है। आप ये देखिए कि जिनके हेलीकॉप्टर चुनाव में उड़े थे, जिनके पैसे लगे थे, उन्हीं को पार्टनरशिप मिल रही है, उन्हीं को लोन हो रहा है, उन्हीं का लोन माफ हो रहा है, उन्हीं के कर्जे माफ हो रहे हैं, सब उन्हीं को हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है और रोज अखबारों में आता है कि कहाँ किसको क्या मिला, कहाँ किसको क्या मिला। बताओ आपको और हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सिलेंडर आपको 1000 रुपये का हो गया, सब्सिडी उसकी खत्म हो गई, और पेट्रोल हमारे लिए है तो 100 रुपये लीटर पहुंच गया है, तो ये हमारे लिए तो ये है। और अंबानी अडानी पर इतने नछावर क्यों हो रहे प्रधान सेवक हमारे या सरकार हमारी? तो ये तो बात पूछेगी जनता, पूछेगी ना जनता का है तो जनता के डोमेन में अगर बात आई है तो जनता पूछ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी अंबानी पर क्यों मेहरबान है? तो सिंपल सी बात है, जिसके हेलीकॉप्टर उड़ेंगे चुनाव में, जिसका पैसा बहेगा तो उसी की तरफ सरकार देखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है और समग्र नीति मैंने बता दिया कि लाभ का निजीकरण और नुकसान का सरकारीकरण, ये नीति लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपना सब चीज से स्वतंत्र होकर, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी का मैनेजमेंट नहीं करना, केवल चुनावी मैनेजमेंट करो। हर भारतीय जनता पार्टी का हर कदम चुनावी नफा नुकसान को ध्यान में रखते ही उठ रहा है और उनका चुनावी गणित होता है। उनको केवल चुनाव लड़ना होता है, चुनावी मोड में हमेशा पार्टी रहती है, इवेंट बेस्ड पार्टी रहती है। वो चाह रहे कि सब जो प्राइवेट हाथों में चला जाए और हम केवल उनसे जो कमीशन आता है, उनसे जो पैसे आते हैं, चंदा आता है, उससे पूरे प्रदेश में राज करें, पूरे देश में राज करें और हम अपना राज सदियों तक चलाएं। बिल्कुल सुभाष भरतवाल जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सुभाष भरतवाल जी, देखिए ये तो एक बात रही जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, अगर दूसरी तरफ आ जाएं, रानी पोखरी के पुल पे आ जाते हैं, डोईवाला के पुल पे आ जाते हैं, हरिद्वार बाईपास के पुल पे आ जाते हैं। इससे पहले भी आपके एक प्रवक्ता ने कहा था कि जो पुल टूटे हैं वो गाड़ी के एक्सीडेंट से टूटे हैं, तो इस स्थिति को थोड़ा सा आप स्पष्ट करिए कि क्या कारण है कि इतना बुरी तरीके से खनन हुआ कि रानी पोखरी जैसे पुल तक टूट गए और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रानी पोखरी का जो पुल टूटा है उसके संदर्भ में तो एक जांच जो है वो डीएम के माध्यम से आयोजित की गई है और उस पर जो भी उसके कारण होंगे उन कारणों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उस संदर्भ में फिर आगे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आपको यह भी देखना पड़ेगा काला जी, बिल्कुल समय को भी देखना है हमने। हां जी बहुत, हां जी 1965 का बना हुआ पुल है वो 40 लाख तो का, और 40 लाख दिसंबर 2020 में रिलीज हुए हैं। और बिल्कुल सुभाष भरतवाल जी, सरकार समय की अपनी सीमा है। सुभाष भरतवाल जी, अविनाश जी, नवीन प्रसाली जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जी का कहना है कि बीजेपी ने लगभग काफी चीजें बेच दी हैं। अगर हम बात करते हैं 9 पोर्ट की, 25 एयरपोर्ट की, 2 नेशनल स्टेडियम की, 1.5 लाख रेलवे की संपत्ति की अगर हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार काम भी कर रही है। सरकार ने कहीं ना कहीं कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया, सरकार ने कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के मामलों को भी सुलझाया। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, नमस्कार। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।